अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट मॉडल क्रिएट करेंगे। तो आपको जाना है मॉडल के फोल्डर के अंदर, इसमें हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे रेस्टोरेंट मॉडल डॉट सेव। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर मॉडल को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इस रेस्टोरेंट में इसको पेस्ट कर लेंगे। सब कुछ हम रिमूव कर लेंगे, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पहले शुरू में क्या करता हूँ, पूरे फील्ड्स को रिमूव कर लेता हूँ। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट अपने पास रहेगा, ये हो गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसका नाम चेंज कर लेंगे, यहाँ पर यूजर स्कीमा के बदले इसको कर देंगे रेस्टोरेंट स्कीमा। और नीचे हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे, यहाँ पे आपको इसको पास कराना है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे रेस्टोरेंट, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ एरर है, प्रिटेयर पे एक बार देख लेते हैं क्या एरर यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर कॉमा मिसिंग है ना, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से ये एरर चला गया, प्रिटेयर को क्लोज कर देंगे। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, हमारी फील्ड्स को डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इस रेस्टोरेंट स्कीमा के अंदर ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइटल ऐड करेंगे, रेस्टोरेंट का टाइटल हमको ऐड करना है, जिसका टाइप हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर कर लेंगे इसको भी रिक्वायर, और एरे में कर लेता हूँ रिक्वायर ट्रू। और उसके बाद में वैलिडेशन, रेस्टोरेंट नेम इज रिक्वायर या फिर रेस्टोरेंट टाइटल इज रिक्वायर कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी इमेज ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ इमेज यूआरएल। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइप इसका भी स्ट्रिंग कर सकते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। और आप चाहें तो यहाँ पर डिफॉल्ट में कोई भी ऐड कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट में हम एम्प्टी छोड़ देंगे, मैं रिमूव ही कर देता हूँ ये फील्ड को, इसकी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से हमने उसको भी रिमूव कर लिया। अब इमेज यूआरएल हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या पोर्ट्स है इसके पास, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर एरे बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो टाइप रहेगा ना, इसको हम कर देंगे एरे। ठीक है, सेव कर लेते इतना फिलहाल के लिए। और क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, जैसे कि फूड हो गया, टाइमिंग स्पेस में हम ऐड कर सकते हैं। सो टाइम, टाइम में हम क्या करेंगे, इसका भी टाइप जो है स्ट्रिंग कर देंगे, और रिक्वायर की ज़रूरत नहीं, बाद में इसको ऐड कर देंगे। सो टाइम टाइप ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद में यहाँ पर पिकअप अवेलेबल है या नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। सो पिकअप, और इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे बूलियन। और इसमें हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट ऐड कर देंगे ट्रू, यानी बाय डिफॉल्ट पिकअप अवेलेबल रहेगा हर होटल पर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिलीवरी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, डिलीवरी। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका भी टाइप जो रहेगा ना, इसको कर देंगे बूलियन। और डिफॉल्ट में ऐड कर देता हूँ इसमें भी डिफॉल्ट ट्रू, यानी डिलीवरी अवेलेबल रहेंगी। इनकेस अगर रेस्टोरेंट खुद से बंद करना चाहता है तो फिर वो मैन्युअली कर सकता है। उसके बाद में इज अवेलेबल भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में ये ओपन है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ओपन एक बना लेंगे, जिसका टाइप रहेगा अगेन बूलियन, यानी रेस्टोरेंट ओपन है या नहीं। टाइमिंग के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसमें भी डिफॉल्ट ऐड कर देंगे, डिफॉल्ट रहेगा ट्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पे लोगो भी ऐड कर देंगे रेस्टोरेंट का, सो लोगो यूआरएल। और इसका जो टाइप रहेगा वो कर देंगे हम स्ट्रिंग, रिक्वायर की ज़रूरत नहीं है इसमें, कोई भी डिफॉल्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रेटिंग ऐड कर देंगे, सो रेटिंग टाइप ऑफ नंबर। और इसमें क्या करता हूँ, डिफॉल्ट ऐड कर देता हूँ मैं 1। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम इसको कर देंगे 1, और मैक्स वैल्यू में कर देता हूँ 5। 1 to 5 तक के इसमें रेटिंग हम ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि इसका काउंट भी बता सकते हैं, रेटिंग काउंट, इसको कर देंगे हम टाइप ऑफ नंबर या फिर स्ट्रिंग कर देंगे, कैलकुलेशन हमको करना है ना, सो इसको बाद में हम फिक्स कर लेंगे, फिलहाल के लिए इसको टाइप स्ट्रिंग कर देंगे। और उसके बाद में रेस्टोरेंट का कोड भी हम ऐड कर सकते हैं, तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग। और क्या चीज़ें कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि इसका एड्रेस है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका लोकेशन भी ऐड करेंगे। सो कॉर्ड के नाम से एक ऑब्जेक्ट हम इसमें बना लेंगे। अब इसमें हम देखिए, सबसे पहले एक आईडी ऐड करेंगे, सो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्विंग। इन केस अगर हम फ्यूचर में मैप का प्लान करते हैं ना, गूगल मैप यूज़ करने का, तो उसमें हमको देखिए लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मिलता है, तो उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लैटिट्यूड, इसका जो टाइप रहेगा ये रहेगा नंबर। सेम इसी को मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास देखिए डेल्टा भी होता है, इनकेस अगर आपने मैप पे काम किया होगा ना तो आपको पता होगा, यहाँ पे हमारे पास लैटिट्यूड में डेल्टा भी होता है। उसके बाद में हमारे पास होता है लॉन्जिट्यूड, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे।
लॉन्जिट्यूड, और फिर लॉन्जिट्यूड में भी हमारे पास डेल्टा होता है। तो ये चारों चीज़ों को हम एक्सेस कर लेंगे, और इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एड्रेस भी ऐड कर देता हूँ। तो एड्रेस, एड्रेस का जो टाइप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग। इन केस मैप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी हम एड्रेस डिस्प्ले करा सकते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पर उसका जो भी टाइटल है रेस्टोरेंट का वो भी हम मैप में दिखा सकते हैं। तो इसका भी टाइप हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर कॉमा भूल गया, तो सभी में कॉमा भी आप ऐड कर लें। अब ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा रेस्टोरेंट का मॉडल बन चुका है। इसमें हमारे पास है टाइटल, इमेज, फिर कितने फूड्स हैं, इसका टाइप रहेगा एरे, एरे में मल्टीपल फूड्स रहेंगे, फिर हम उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, फिर क्या टाइमिंग्स है, फिर पिकअप फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, ऑल्सो डिलीवरी भी यहाँ पर हम चेक करेंगे, और ओपन है या नहीं वो भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। उसी तरीके से लोगों का आप यूज़ कर सकते हैं, फिर क्या रेटिंग है उस रेस्टोरेंट की और उसका काउंट क्या है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। उस रेस्टोरेंट का कोड भी आप ऐड कर सकते हैं, और फिर उसके कॉर्ड, कॉर्ड यानी क्या है, उसकी लोकेशन, अगर मैप का पॉसिबल हुआ तो वो हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें एड्रेस है अपने पास, क्योंकि मैप का जो है फीचर है ना वो पेड है। गूगल मैप्स अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, फ्री में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैप देखेंगे, वरना एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस के साथ में जा सकते हैं, एड्रेस मैन्युअली भी हम टाइप कर सकते हैं कहाँ पर ये है। और इनके मैप यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें हमको लगेंगी, जैसे कि लैटिट्यूड, उसका डेल्टा, फिर लॉन्जिट्यूड और उसका डेल्टा। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे आप गूगल मैप रेगुलर यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, और यहाँ पर उसका टाइटल भी हम इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट मॉडल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके जो है क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।